दोस्तों, अगर आप शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 बहुत ही खतरनाक तरीके से खेला जा रहा है और इस आईपीएल सीजन में पंजाब की शुरुआत ठीक ठाक रही, लेकिन बाद में पंजाब लड़खड़ाती हुई दिखाई दी और हाल ही में गुजरात की टीम को हराकर एक शानदार जीत दर्ज करी, और जिसमें शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन को लेकर भारतीय दिग्गजों ने कुछ हैरान कर देने वाली बातें कही हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारतीय दिग्गजों ने अपने बयान में क्या कहा, लेकिन उससे पहले शिखर धवन और विराट कोहली में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 48वें मुकाबले में गुजरात और पंजाब का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने सबसे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन गुजरात की शुरुआत ही बेकार थी। लेकिन गुजरात की बल्लेबाजी को आज ना तो डेविड मिलर, ना हार्दिक पांड्या और ना ही राशिद खान और साथ ही राहुल तेवतिया भी नहीं संभाल पाए, बल्कि युवा खिलाड़ी सुदर्शन ने 50 गेंदों पर 64 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम को 20 ओवर में एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसमें 143 रन 8 विकेट के नुकसान पर गुजरात की टीम बना पाई। इसके अलावा पंजाब की तरफ से रबाडा ने 4, ऋषि धवन, लिवांग लिविंगस्टोन, संदीप शर्मा ने एक एक विकेट हासिल किया। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की तरफ से नई ओपनिंग जोड़ी उतरी और कप्तान मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने नहीं आए और राजपक्षे की महत्वपूर्ण 40 और शिखर धवन के शानदार 62 रन और लियाम लिविंगस्टोन की एक ही ओवर में 28 रन की बदौलत टीम को 4 ओवर पहले ही 8 विकेट से बहुत बड़ी जीत हासिल करा दी और 5वीं जीत दर्ज कर ली। जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें सुनील गावस्कर ने कहा कि शिखर धवन ने जिस तरीके से प्रेशर में आकर बल्लेबाजी करी है उसे देखकर लग रहा है कि शिखर धवन अब बहुत ही खतरनाक रूप लेते हुए दिखाई देंगे और पंजाब की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के साथ ही साथ कप्तानी की दावेदारी और मैच विनर खिलाड़ी के रूप में उभरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शिखर धवन को बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए देखा गया है, लेकिन अपने अकेले के प्रदर्शन से जीत दिलाते हुए पंजाब की तरफ से बहुत कम देखा है, परंतु इस मुकाबले में उन्होंने सभी चिंताओं पर विराम लगा दिया है और पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा। तो वहीं युवराज सिंह ने कहा कि पंजाब की टीम के लिए इस साल सबसे खतरनाक खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन है, क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन ने जिस तरीके से पंजाब की टीम में बेहतर बल्लेबाजी के साथ साथ ठीक ठाक गेंदबाजी करी है उसी ने पंजाब की टीम को मजबूत बनाया, क्योंकि पंजाब की तरफ से कुछ मुख्य खिलाड़ियों के ना चलने से लियाम लिविंगस्टोन के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं घबराते हुए लियाम लिविंगस्टोन बहुत ही बेहतरीन और तेज तर्रार बल्लेबाजी लगातार कर रहे हैं और पंजाब की टीम को जीत दिलाई है, और इस मुकाबले में भी नेट रन रेट को ध्यान में रखते हुए एक ही ओवर में 28 रन जड़ के मैच खत्म करते हुए मुकाबला पंजाब की टीम को बड़े अंतर से जिता दिया। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने कहा कि पंजाब की टीम के लिए इस साल दो खिलाड़ियों ने बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन किया, जिसमें लियाम लिविंगस्टोन व पहले खिलाड़ी हैं और जिनके ना होने से पंजाब की टीम को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पंजाब की टीम के मुख्य खिलाड़ियों के ना होने के चलते लिविंगस्टोन ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रत्येक मुकाबले में अपना प्रदर्शन किया और टीम को जिसमें मुकाबले में जीत मिली है उसमें लिविंगस्टोन की महत्वपूर्ण बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं शिखर धवन का फॉर्म में आना पंजाब की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बात है, लेकिन क्योंकि शिखर धवन पंजाब की टीम के लिए आने वाले समय में मुख्य खिलाड़ी के साथ ही कप्तान भी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, पंजाब की टीम इस मुकाबले को किस खिलाड़ी के दम पर जीती है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।